क्वेश्चन 3 में कार्बन रजिस्टर दिया हुआ है 47 प्लस माइनस 4.7 इसका वैल्यू है। किलो का मतलब बच्चों यहाँ हो जाएगा 10^3, और ये टॉलरेंस बता रहा है जो कि सीधा दिख रहा है 10% होगा। और कुछ रिंग्स मार्क करे हुए हैं, डिफरेंट कलर्स बताने हैं अपन को आइडेंटिफाई करके, जो भी इसका कलर कोड निकलने वाला है। बेसिकली ये अपना कलर कोडिंग से आ गया क्वेश्चन। आप इस तरह समझते हो कि कोई भी एक रेजिस्टेंस उठाया अपन ने इस तरह से, इसके पास तीन साथ में लगे स्ट्रिप्स होते हैं बच्चों, और एक सेपरेट करके होता है। से मान लो 1, 2, 3, ये होता है पहला सिग्निफिकेंट डिजिट, ये होता है दूसरा सिग्निफिकेंट डिजिट, और फिर आती है बारी थर्ड वाले की जो कि पावर में रख देते हैं, और इसको अपन लोग कहते हैं टॉलरेंस, है ना बच्चों। और ऐसे कुछ सामने आ रहा है, आपने कितना लिखा है 47, तो यहाँ फर्स्ट बैंड के लिए 4 आ रहा है, कितना येलो, फिर आ रहा है बच्चों 7, वो आ रहा है वॉयलेट, तो आ रहा है अपना आंसर येलो और वॉयलेट। ठीक है, बात करते हैं 10^3 की, तो 3 10^3 से मतलब है, 3 से मतलब होना चाहिए यहाँ पे, ये रहा 3, तो 3 आता है बच्चों आपका ऑरेंज के पास, तो आंसर आ रहा है येलो वॉयलेट और ऑरेंज। और बात करते हैं 10% की, तो ये हो रहा है अपना थर्ड आंसर सही। ठीक है, येलो वॉयलेट ऑरेंज। आप थ्योरी पढ़ते हो तो इस तरह जरूर लिखते होगे कि बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। नेकलेस का मतलब हो गया यहाँ पे नील होता है, ठीक है, जो कि कलर नहीं होगा तो 20% मान लेते हैं, और इन दोनों में अपन 5% और यहाँ 10% लेते हैं। तो देखो 10% के लिए क्या आ रहा है, सिल्वर आ रहा है, और यहाँ पे भी लिखा है सिल्वर, और यहाँ भी लिखा है 47, मतलब ये आंसर बिल्कुल अपना करेक्ट होगा। शुरू करते हैं अपन इसको यहाँ पे ब्लैक से, ठीक है, और खत्म होता है ये अपना व्हाइट पे, बीच में कलर भर सकते हैं अपन, बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। ये टॉलरेंस के लिए पढ़ते हैं अपन, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ठीक है, आइए आगे देखते हैं।